हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरेसी मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इससे पहले रीड कर लेते हैं। इसमें गिवन है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से 200 लॉक्स को स्टैक किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है कि 20 लॉक्स तो है बॉटम रो में, 19 है उससे अगली वाली रो में। मतलब कि ये जो हमारे लॉक्स हैं ये टोटल 20 हैं और ये सबसे नीचे वाली रो में हमें रखने हैं। फिर 19 इन द नेक्स्ट, यानी कि उससे जो ऊपर वाली रो आएगी उसमें हमारे कितने हैं टोटल, ये 19, उससे जस्ट ऊपर वाली में 19 रखे। एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और उससे ऊपर वाली में कितने हैं बेटा, 18 रोज, 18 स्टैक, ठीक है। एंड आगे पूछा है बेटा, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। इसी ऑर्डर में हमें कितनी रोज में ये लॉक्स रखे जाएंगे, मतलब कैसे, सबसे नीचे 20 रखे, उससे जस्ट ऊपर 19, उससे जस्ट ऊपर 18, इस तरह से 17, 16 हम आगे रखते जाएंगे। हमें नहीं पता कि लास्ट रो में कितने आएंगे। और ये पूछा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो ये टॉप पे रो आएगी ना, हमें नहीं पता इसमें कितने आएंगे। तो हमें यही पूछा है कि जब इस तरह से आप रखोगे, मतलब पहले 20 रखे, उसके ऊपर फिर 19, फिर उसके ऊपर 18, इस तरह से आप चलते गए, तो आपको नहीं पता कि टॉप रो में कितने लॉक्स आएंगे। तो एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है, दूसरा जब तक लास्ट रो में जो खत्म होंगे, मतलब ऐसा करना है कि आपने 20, 19, 18 रखना है, हो सकता है आपका 14 पे ही खत्म हो जाए, हो सकता है आपका 2, 3 पे जाके खत्म हो। मतलब ऐसे रखना है कि 200 लॉक्स अरेंज हो जाए पूरे पूरे, तो क्या पता लास्ट में कितने आए। एक तो आपको ये निकालना है कि लास्ट रो मतलब टॉप रो में कितने आएंगे, दूसरा आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल ऐसे रोज आपकी कितनी बनेंगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये आपका एपी बन गया है, जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 20, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है क्योंकि 19 है ना अगला, तो 19 माइनस 20 यानी कि -1। और आपको पूछा गया है, एक तो एन पूछा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। और ए एन मतलब जो ये लास्ट रो होगी ना, एनएथ रो, उसकी वैल्यू मतलब उस पे कितने लॉक्स आएंगे। और पोला क्या है, ये जो लॉक्स हैं ये टोटल कितने हैं 200, यानी कि इनका सम एक तरह से आपको कितना गिवन है 200। इट मीन्स आपको एसएन दिया हुआ है 200। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसी वाले का आप सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, क्या होगा, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले 200 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू टू ए, ए कितना है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना आया था बेटा -1। और आपको यह भी बताया है जब भी नेगेटिव साइन वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है। नाउ एन के साथ 2 डिवाइड में है तो यहां आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो 200 इंटू 2 हो जाएगा। यहां पे एन बाहर, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास रूल, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 20 आपका हो गया 40 प्लस -1 को माइनस एन से करोगे तो, सॉरी प्लस एन से करोगे तो प्लस माइनस 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 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करो 400 एन 40 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो माइनस का एन और प्लस का 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 40 प्लस 1 41, और एन से बाहर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 41 एन प्लस माइनस माइनस, तो एन ओवर एन मल्टीप्लाई क्या आएगा, एन स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो कोशिश करो एन स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, जो कि यहाँ नेगेटिव है, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं सारी टर्म्स को। तो माइनस का एन स्क्वायर आके हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर, प्लस का 41 एन आके हो जाएगा माइनस का 41 एन, और ये तो प्लस का 400 था यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, मीन्स यहाँ पे आ गया आपका 0। अब आपको इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एन की, तो आप वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है इन दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 400 को फैक्टराइज करेंगे, पहले ये आ गया 200, 2 से करा तो 100, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से डिवाइड करा तो 25, 5 5 5 25 5 1 5। ध्यान देना यहां नंबर क्योंकि पॉजिटिव है तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम
41 आए एंड मल्टीप्लीकेशन 400. जब आप इन नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करोगे सभी को यूज करके तो आपको 400 मिलेगा ही मिलेगा. पेयर बनाते हैं ऐसे जिससे हमें 41 प्लस में मिल जाए. तो देखो ध्यान से क्लियरली पता चल ही रहा है, 5 5 जैसे 25 आ गया, इन चार को करो 2 2 4 2 8 2 16 और आप देख सकते हैं 25 16 ऐड करके क्या आता है, 41 आता है. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 400 आता है. मींस 25 एंड 16 ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें हम यहाँ यूज करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा -25n -16n. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सेम साइन ऐड करके दिखाने थे और आंसर आना चाहिए था नेगेटिव का. प्लस 400 इज इक्वल्स टू जीरो. इन दोनों में से क्या कॉमन है, फर्स्ट टू में से सिर्फ n, n कॉमन लेते हैं. जब यहां से एक n गया तो क्या बचा, सिर्फ एक n माइनस का, एक n जा चुका है तो सिर्फ बचा 25. अब ये ब्रैकेट और अंदर वाली ब्रैकेट यहां वाली होनी चाहिए सेम, क्योंकि n पॉजिटिव है लेकिन यहां क्या है, n नेगेटिव. तो एक तो माइनस का साइन आप कॉमन ले लो, दूसरा यहां से 16 कॉमन आएगा क्योंकि 16 400 को पूरा पूरा डिवाइड करता है. अभी हमने देखा है 25 इनटू 16 क्या होता है आपका 400. मल्टीप्लाई करेंगे देखो माइनस बाहर आ गया, 16 बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ n. अब प्लस था यहां, माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, साइन चेंज हो जाते हैं. तो पता ही होगा माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के. ना 16 और 25 400 होता था, 16 बाहर आ गया तो यानी कि यहां पे क्या हो गया आपका, ये 25. तो ये हो गया आपकी दो ब्रैकेट, n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो. तो n की वैल्यू एक तो आपके पास आ गई 16 और दूसरी आपके पास n की वैल्यू आ गई 25. तो एक बार पुट करते हैं n को 16 और एक बार पुट करते हैं n को 25 और हम वैल्यू निकालेंगे किसके, अपने an की. हमें an भी निकालना था स्टार्टिंग में. नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए ए की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में देख लिया था, 20 प्लस एन हम कितना लेने वाले हैं 16. तो 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था माइनस का 1. 20 प्लस 16 माइनस 1 हो गया आपका 15 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 15 हो गया 5. यानी कि अगर हम 16 रो बनाते हैं टोटल तो हमारा जो टॉप रो है उस पर केवल 5 हमारे लॉक्स आने हैं. अब एक बार n को 25 भी चेक कर लेते, देखो दोनों केस पॉसिबल हो नहीं सकते बिकॉज या तो 16 रो बनेंगी या 25 बनेंगी. अब क्यों हम एक को डिक्लाइन करेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं. an की वैल्यू अगेन पुट करो तो a प्लस n, n कितना है आपके पास 25. तो 25 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि माइनस 1. तो 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना होता है 24 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ये वैल्यू आ गई माइनस 4. क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होती है कोई भी चीज पुट कर रहे हो या तो 1 2 3 4 ही तो होंगी, नेगेटिव तो नहीं होगा कि मेरे पास तो -5 मैंगोज है या -5 लैग लॉक्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता. यानी कि ए एन नेगेटिव पॉसिबल हो ही नहीं सकता इस केस में. जरूर ए एन और कहीं नेगेटिव हो सकता था और किसी क्वेश्चन में, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि यहां जो हमारा ए एन है नंबर ऑफ लॉग्स है तो नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते. तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो नंबर ऑफ लॉग्स है इट कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव. यानी कि आपके पास आ गया नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड लॉग्स इन द टॉप रो कितने आए आपके टॉप रो में 5 लॉग्स. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी. और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.